अनूप शहर 22 जनवरी को जय श्री राम के उद्घोषों से गूंजेगी छोटी काशी। अनूप शहर श्री राम ज्योति एवं होगा विशाल दीपोत्सव। श्री राम भक्तों एवं प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। श्री राम जी के विशाल शोभा यात्रा जहावी द्वार घाट पर श्री बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर कला बाजार होती हुई नगर के मोहल्ला केदार शाह श्री राम मंदिर पर सम्पन्न होगी। शोभा यात्रा के लिए डीसेंट पब्लिक स्कूल एवं श्री कांति प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं भी श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के स्वरूप श्री राम चरित्र मानस के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देंगे। बैंड बाजे डीजे घोष झांकिया द्वारा शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा LCD पर सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। नर्मदेश्वर महादेव अखाड़ा के खलीफा अवधेश गर्ग के नेतृत्व में विशाल अखाड़ा का आयोजन होगा। अखाड़े में भगवान श्री राम श्री हनुमान जी के शौर्य दिखाए जाएंगे। SDM नवीन कुमार ने बताया है कि मां गंगा के सभी घाटों पर 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। मोहल्ला केदार शाह स्थित हनुमान मंदिर पर अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। सेवा भारती श्री राम चरित्र मानस समिति रामायण सत्संग मंडल आदि संस्थान अपने अपने तरीके से धार्मिक आयोजन करेंगे। 22 जनवरी की सभी राम भक्तों ने एवं प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी राम भक्तों में भारी उत्साह है, भीगी पलकों की तरह 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रीमती पूर्णिमा सिंह ने बताया है कि 22 जनवरी को पुलिस सभी धार्मिक स्थलों पर गश्त लगाती रहेगी। उन्होंने कहा असामाजिक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे और तुरंत सलाखों के पीछे जाएंगे, पुलिस सतर्क रहेगी। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे और विद्यालय बतलाएंगे और आपके विद्यालय के बच्चे 22 जनवरी 2024 को अनूप शहर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपके क्या क्या कार्यक्रम होंगे? मैं प्रज्ञा गौड़, प्रधानाचार्य डिसेंट पब्लिक स्कूल। इस देश को ही नहीं वरन पूरे विश्व को जय सियाराम। 22 तारीख को हमारा 2 से 5 बजे तक प्रोग्राम रहने वाला है, जिसमें हम प्रभु श्री राम की लीला को बच्चों के रूप में छोटे से चरित्र चित्रण को दिखाना चाहते हैं, जिसमें बच्चे छोटे छोटे प्रभु श्री राम के रूप में भरत शत्रुघ्न प्रभु श्री राम आंगन में अटकेली करके खेल रहे हैं और माताएं उनके पीछे दौड़ती हुई उन्हें पकड़ रही हैं। फिर हम प्रभु श्री राम और माता सीता की जयमाला उनके स्वयंवर को दृश्य को दिखाएंगे बच्चे। उसके बाद माता केकई का रुष्ट होना और दशरथ जी द्वारा उनको वरदान दिए जाना और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होना। फिर दिखाएंगे कि प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद अपहरण हम नहीं दिखा रहे हैं रावण के द्वारा, लेकिन दिखाएंगे कि अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई हैं और प्रभु हनुमान जी आकर मुदरी गिरा देते हैं, तो वो चकित चित्त मुदरी पहचानी उस मुदरी को पहचानती हैं कि भाई ना तो प्रभु श्री राम किसी से हारे हराए सकते हैं और ऐसा है नहीं कि छल से ये मुदरी बन जाए, तो उसको देख के वो चकित हो जाती हैं। फिर लव कुश का दिखाएंगे कि लव कुश बाल लीला अपनी करते हुए गाना गाते हुए प्रभु श्री राम के भजन गाते हुए और नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सब हमारे बच्चों के कार्यक्रम हैं और बच्चे इस रूप में बहुत ही सुंदर और बड़े सजीले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है जैसे बाल रूप में प्रभु श्री राम हमारे स्कूल पर आ गए हों और हमारे स्कूल को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। धन्यवाद। जय हिंद।